बच्चे से झगड़ा करते, औरत से झगड़ा करते, लड़की से लड़के से झगड़ा करते और वातावरण घर का पूरा खराब होता है। मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में के अंदर अगर ये धंधे नहीं हुए बंद तो आने वाले 4-5 दिन के अंदर हम लोग धड़क मोर्चा मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर निकालने वाले। नशे की बेड़ियों में जकड़ रही है देश की युवा पीढ़ी। नशे का कारोबार कर रहे व्यक्ति समाज के लिए सबसे घातक है और खतरनाक अपराधी है, ऐसा कहना है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्तू गाय समुद्रे जी का। कल्याण व उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, सड़कों पर एक किनारे 3 या 4 12 से 16 वर्ष के बालक, कहीं 18 से 20 वर्ष के नौजवान नशे में धुत व नशा करते नजर आते हैं। आज युवा वर्ग नशे की दलदल में धंस चुका है। नशे के खिलाफ एकजुट होकर हल्ला बोलना होगा, क्योंकि नशा किसी को भी नहीं छोड़ता। लगातार हत्या, लूटपाट, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं नशे के कारण होती हैं। आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज 24, मैं आसिफ अली, ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। अब खबर विस्तार से। समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है और आपने इस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है, तो आपने क्या ज्ञापन दिया है? हमने विषय सरकार के सामने और पुलिस स्टेशन के सामने ऐसा मांडा है कि हमारा मानना है कि जो कल्याण तालुके में टाटा पावर पे जो अवैध धंधे चालू है, गांजा, चरस, दारू, गावटी दारू, देशी दारू, ऐसे अनगिनत मतलब नशे के धंधे चालू है और ये धंधे का जो प्रमाण है बहुत अतिरिक्त है और ये धंधे के जो मतलब परिणाम होता है वो जवान लड़के लोग और जो बच्चे लोग और जो महिलाएं लोग जो वहाँ से गुजरती है उन पर बहुत ही एकदम अलग किस्म का एक ये परिणाम हो जाता है कि बाबा हमारे एरिया में ऐसा सब ये सब धंधे चालू है कि मतलब कुछ अलग ही मतलब जवान लड़के लोग के ऊपर ये सब हो रहा है। तो इसी वजह से कल 25 तारीख को हमारे टाटा पावर एरिया में जो सर्कल है वहाँ पे एक बड़ी ही बेरहमी से एक जवान लड़के की हत्या हुई है और ये हत्या का कारण हमको ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे जो नशे के धंधे बस पूरी तरह वही है और ये बंद होने चाहिए। नहीं बंद हुए तो हम लोग पुलिस स्टेशन पे बड़े तादाद के साथ मोर्चा निकालेंगे। ये हमारा पार्टी का और हमारे पक्ष का नशे को लेके जो परिस्थितियाँ हमारे टाटा पावर पिसोली के अंदर में जो हुई है, इतनी बड़ी तादाद में जो घटनाएं हो रही है, बहुत बड़ी गंभीर स्वरूप से हो रही है। हमने पुलिस स्टेशन में, हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में बार बार इस धंधे के ऊपर तकरारें दी है, लेकिन पुलिस या तो एक्साइज डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करता नहीं है। इनके संगन मत से ये धंधे चालू है। आज वहाँ पे हमारे पिसोली, टाटा पावर पिसोली के हद के अंदर, मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद के अंदर कम से शैलेश सिलवन इस नाम के बंदे की आज इतनी निर्गुण से हत्या हो गई और ये भी चरस, गांजा, अफीम एकदम पी के, मतलब गंजड़े बच्चे लोग थे जो मर्डर करने वाले, इन्होंने किया है और इतना मतलब निर्गुण हत्या से उनकी हो गई। वो बेचारा उनके चाकू लगने के बाद में भी कितना लंबा भाग रहा था, भाग के जाने के बाद में गिर गया वो, वहाँ से फिर उन लोगों ने उठाए, फिर हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद में उसने दम तोड़ दिया, मतलब तत्काल में दूसरे दिन उसका मतलब ऐसा हो रहा है। तो ये जो धंधे है, ये गावटी के धंधे है, चरस के धंधे है, आपिम के धंधे है, चोरट के धंधे है, उसके बाद में अब तुम्हारा कोरन के धंधे है, उसके बाद में तुम्हारे मतलब बहुत सारे 2 नंबर के धंधे है, मटके के धंधे, जुगाड़ के धंधे, रात में जुगाड़ खेलते, किसी को भी मारते, पी के जुगाड़ खेलते, झगड़ा करते, मारपीट करते, मतलब ऐसी तादाद में ये सब चालू है। और हमारी एक ही मांग है कि ये जो धंधे है तत्काल बंद होने चाहिए और ये धंधे बंद होंगे तो बाल बच्चे को वो लोग जो घर में आप काम पे जाते हैं 200-500 1000 रुपया कमाते और वो दारू में गलाते और घर में रोटी नहीं लाते, खाना नहीं लाते, कोई भी सुविधा घर के अंदर नहीं होते, बच्चे से झगड़ा करते, औरत से झगड़ा करते, लड़की से लड़के से झगड़ा करते और वातावरण घर का पूरा खराब होता है। हमारी एक ही मांग है कि ये धंधे बंद हो जाएंगे तो सबके परिवार सुखी हो जाएंगे और सबको अच्छे से रह सकते हैं और खा सकते हैं, यही हमारी मांग है। इतना ही बोल के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में के अंदर अगर ये धंधे नहीं हुए बंद
तो आने वाले 4-5 दिन के अंदर हम लोग धड़क मोर्चा मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर निकालने वाले, और आज हमने ये लेटर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन को देंगे, और उसके बाद में अगर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन ने कोई दखल नहीं लिया, एक्साइज डिपार्टमेंट ने कोई दखल नहीं, तो उनके ऊपर मोर्चा निकल के हम लोग ये आंदोलन करके ये पूरे धंधे बंद करवाने को लेंगे। सहिले सिलवंत को हम लोग न्याय दिलवा के रहेंगे, और उसको कहीं भी मतलब उसके ऊपर अन्याय अत्याचार और किसी के ऊपर ऐसा घटना होनी चाहिए, और इसी से बचना चाहिए, इसके लिए ये धंधे बंद होने चाहिए। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम।